हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आस्थाना कुकिंग ब्लॉग। और तो आज अपने ब्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल अलग सी रेसिपी, अलग सब्ज़ी। तो अगर आपको हमारी ये अलग सी सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल आस्थाना कुकिंग ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये देखें, इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों मिक्स हैं। तो आइए चलिए हम इसको बनाते हैं सब्ज़ी को। तो ये देखें, ये हमने बन लिए हैं आधी किलो सेब लिए हमने, 250 ग्राम ये बैंगन लिए हैं। इसमें हमने हल्दी लगा दी है पानी में डिप करके, लेकिन ये फिर भी जो है बैंगन जो है बहुत ही जल्दी स्पीड से ख़राब होते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़े थोड़े होने लगे हैं। तो हल्दी लगाने के बाद ये थोड़े बेहतर लगते हैं, तो हमने इनमें हल्दी लगा दी है। और ये देखें, ये हमने लिया है 1 चम्मच लिया है सौंफ पाउडर, हमने लिया है जिंजर पाउडर 1 चम्मच, छोटी प्याज इस तरह से कट कर ली है। सब्जी जो है हम लोग तैयार करते हैं। तो ये देखें, ये हमने अपनी कढ़ाई में 1 चम्मच डाला है तेल और इसको हमने गरम कर लिया। अब इसके अंदर हम तड़का लगाते हैं। पहले तो हम डालेंगे इसके अंदर जीरा 1 चम्मच, कुछ लेंगे हम करी पत्ते, करी पत्ते अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, और आधा चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर अजवाइन। ये देखिए, अब ये हम डाल देंगे इसके अंदर अपनी प्याज और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 1 चम्मच ऐड करेंगे इसके अंदर हींग, और हमें अपनी प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा डार्क, बहुत लाइट ब्राउन रखना है। तो हमारी प्याज अब हो गई है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम अपनी बैंगन, और बैंगन ऐड करके जो है हम अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। बैंगन को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये थोड़ा सा हल्का गोल्डन नहीं हो जाता। देखिए, हमारे बैंगन जो है हल्के लाइट ब्राउन हो गए हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसी स्टेज पर इसके अंदर ऐड कर देंगे सेब। तो सेब जो है आपको ग्रीन ही ले रहे हैं, इसके अंदर पके हुए सेब नहीं डलते हैं, जो कच्चे सेब होते हैं ग्रीन वाले वो ही लेने हैं, क्योंकि इन्हीं की सब्ज़ी बनती है। जो रेड वाले होते हैं उनसे सब्ज़ी नहीं बन पाती है। तो आप सेब लेते वक्त ये ध्यान रखें कि ये सेब जो है थोड़े से हल्के खट्टे होने चाहिए, ताकि आपकी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बने। अब इसके अंदर हम अपने मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच करेंगे धनिया पाउडर ऐड, आधा चम्मच करेंगे हल्दी पाउडर ऐड। देखिए, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम सौंफ पाउडर, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम सौंफ पाउडर। तो सौंफ पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल ना हो फ्रेंड, तो आप जो है अदरक को पीस के, सौंफ पाउडर अदरक का ही होता है, सूखे अदरक का, तो आप अदरक को पीस के 1 चम्मच अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। जो आपको ज़्यादा आसान लगे आप वो ऐड करें। इसके अंदर ऐड करना है हमें बहुत ही कम अमचूर पाउडर, तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच ही अमचूर पाउडर लिया है, क्योंकि सेब जो है ऑलरेडी थोड़े से खट्टे खटास है सेबों के अंदर, तो हमने अमचूर पाउडर जो है वो आधा चम्मच ही लिया है। आप अपने हिसाब से, आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये देखें, और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप पानी, और इसको अच्छी तरह से हम मसालों को फ्राई करेंगे, भूनेंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम आधा चम्मच नमक, अगर हमें ज़्यादा लगे, कम लगेगी तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। आप नमक और मिर्च जो है अपने हिसाब से ऐड किया करें। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला जो है ऑलमोस्ट भुन गया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 कटोरी भर के पानी। तो हमारे सेब जो हैं थोड़े थोड़े गल गए हैं, बस थोड़े और गलाने हैं हमें। तो ये पानी ऐड करके हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे ढक के, और फिर हम आपको दिखाते हैं। हमारी बैंगन और सेब की सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी। और ये देखिए कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें। इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा और थोड़ा सा चटपटा सा है। तो अगर आपको ये रेसिपी देखने में पसंद आए तो प्लीज़ अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, और हमारे चैनल आस्थाना कुकिंग ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें। आज के ब्लॉग में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।